योनो SBI से रिकरिंग डिपॉजिट का स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल में योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ देर यहाँ प्रोसेस होगी, इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन का पेज देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन हम दो तरह से हो सकते हैं, MPIN के जरिए और यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ कांट लॉगिन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी फिल कर देना है, उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड यहाँ जनरेट कर देना है, उसके बाद आपका ATM कार्ड नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है और ATM के जो 4 अक्षर के पिन है वो हमें यहाँ फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आपका योनो आईडी का पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ MPIN से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट के सेक्शन में चले जाना है। अकाउंट के सेक्शन में आपको यहाँ माई डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उस पर आपको चले जाना है। और इसके अंदर हमें रिकरिंग डिपॉजिट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें उसमें चले जाना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी 3 रिकरिंग डिपॉजिट है, मैंने योनो से ही इसको क्रिएट की है और इसी डिपॉजिट का मैं आपको स्टेटमेंट निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक कर लेता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक करते यहाँ पे आपको अपनी रिकरिंग डिपॉजिट की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ नीचे आपको यहाँ आपको प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आपको 1 मंथ का चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। 3 मंथ का चाहिए तो यहाँ, 6 मंथ का चाहिए तो यहाँ, और आप पर्टिकुलर कोई डेट बाई डेट का ट्रांजेक्शन चाहते हो तो हमें बाई डेट पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ बाई डेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से हमें डेट सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ 2022 यानी कि 1 साल का स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ 1 मार्च 2022 कर लिया है, मैं ओके कर लेता हूँ। फिर आज की डेट 5 मार्च 2023 यहाँ सिलेक्ट हुई है, तो ये पूरे साल का रिकरिंग डिपॉजिट का स्टेटमेंट मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे पूरे साल का रिकरिंग डिपॉजिट का सेट हो गया है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। हमारे रिकरिंग डिपॉजिट का जो फाइल डाउनलोड हुआ है, जो स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो उसका पासवर्ड कैसे हमें फिल करना है वो हमें यहाँ दिखा दिया गया है। ये पर हमारी डेट ऑफ बर्थ के पहले 4 डिजिट, उसके बाद @ और हमारे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हमें यहाँ फिल करना है। तो इस तरह से हमारा पासवर्ड होगा। इसके लिए हमें यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई जिसकी बर्थडे 2/5/1991 है तो उनको 0205 करके फिल करना है। उसके बाद @ की निशानी और आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ फिल करने के बाद ओके कर देने से आपका जो स्टेटमेंट डाउनलोड होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ ओके कर लेता हूँ। तरह बहुत आसानी से रिकरिंग डिपॉजिट का स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। चलिए मैं अब दिखा देता हूँ कि भाई ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, हमें कैसे अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं यहाँ से योनो एप्लीकेशन में से लॉग आउट हो जाता हूँ, यहाँ यस कर लेता हूँ। दोस्तों आप भी जब भी योनो एप्लीकेशन में से बाहर निकले तो उसको लॉग आउट करने के बाद ही बाहर निकले, वरना आपको कोई दिक्कत आ सकती है। चलिए यहाँ लॉग आउट हो चुका हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ पे हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है। तो उसके लिए हमें पहले फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर हमें यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो डॉक्यूमेंट में हमें चले जाना है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमें डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमें डाउनलोड में चले जाना है। डाउनलोड के अंदर हमें यहाँ पहला ही ऑप्शन RD डाउनलोड रिसिप्ट देखने को मिल जाता है, तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड फिल करने के लिए हमने बोला गया है, तो हमारा जो पासवर्ड हमने दिखाया था ये भी हमारी बर्थ डेट के पहले 4 अक्षर, उसके बाद @ और हमारे मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट जो हमें बैंक से लिंक किया है, वो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट हमें यहाँ फिल करना है। तो पहले मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद आपके मोबाइल में ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। आपको अपने रिकरिंग डिपॉजिट का कंप्लीट स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल के जरिए ही, योनो के जरिए आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने योनो SBI से रिकरिंग डिपॉजिट का स्टेटमेंट आसानी से डाउनलोड कर सके। और हाँ दोस्तों, आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसमें आप ऑल कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।